कॉलेज छोड़ के आप प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर यहाँ पे थोड़ा एरिया, वर्क एरिया थोड़ा ज़्यादा डायनामिक है आपकी क्वालिफिकेशन जो है फिलोसफी अपने जो है ऑप्शन जो है फिलोसफी को भी कैसे चूज किया है ना, और आपने बी ए किया है उसके बाद आपने जो है लास्ट एजुकेशन क्या किया है? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन नहीं किया है सर, मैंने इंजीनियरिंग भी किया है। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग और आपको ऑप्शन फिलोसफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बताइए कि आप इंजीनियर हैं उसके बाद आपने फिलोसफी लिया, तो इंजीनियरिंग तो जो है वो समाज की जो यथार्थ है उसके बारे में वो जो है बताता है, और फिलोसफी तो आइडियल सिचुएशन है, दोनों तो कैसे आप जो है कंबाइन कर पाते हैं? इंजीनियरिंग जो मैंने बोला जाए तो यूनिवर्स का जो प्रॉब्लम है उससे डील करता है, और फिलॉसफी जो भी यूनिवर्स के ऊपर चल जाता है, मेटाफिजिक्स से ज़्यादा डील करता है, तो इंजीनियरिंग से एक लेवल ऊपर आके फिलॉसफी आता है। इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड बेसिक चीज से डील करता है, वो मेटाफिजिक्स से डील करता है। अच्छा तो ये न्याय दर्शन का किसने इसको प्रतिपादित किया था? ये इतना पुराने से कोई फादर नहीं माना जाता है, जब से वोट है जब से दुनिया चल रहा है तब से फिलोसफी चल रही है। क्या फिलोसफर्स के नाम बताइए और न्याय दर्शन का प्रतिष्ठित किया हो? तब से इंडिया में तो चलवाता है, सबसे पुराना में आते हैं फिर शंकराचार्य हैं, फिर गौतम मुनि हैं। कांट के बारे में बताइए कुछ। तो कांट के वेस्टर्न फिलोसफर थे, उन्होंने उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि पहले वेस्टर्न फिलोसफी में एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म में ये रहता था, विवाद रहता था। वे बोलते थे एम्पिरिसिस्ट बोलते थे एक्सपीरियंस का सारे नॉलेज सोर्स का, और रैशनलिस्ट बोलते थे रीजन है, सब कुछ हमारे इननेट आइडिया हमारा माइंड है। तो उन्होंने दोनों को सिंथेसाइज किया था। क्या क्रिटिकल थ्योरी दिया था उन्होंने, और उसको कॉपरनिकस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं वेस्टर्न फिलोसफी। तो तुमने जो थ्योरी बताया उसके 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 उसका आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसमें क्या यूज है, वो क्या यूज होता है एम्पिरिसिज्म? क्योंकि अभी आज की ग्लोबलाइजेशन में हम पहले कोई भी चीज़ को रिसर्च पे भी करते हैं, तो कोई भी चीज़ को पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद उसको हम अपना माइंड से उससे रीजन पहले कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी चीज़ को धरती में हो रहा है तो कोई भी चीज़ को देखते हैं उसको पहले हम नॉक लेते हैं एम्पिरिसिज्म से एक्सपीरियंस। इसको उदाहरण देके बताइए, किसी कंपनी में किसी इंडस्ट्री में इस तरह का काम हुआ तो उदाहरण दे कर सकता सकते हैं कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी एक्टिविटी? चलो आपका आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स दो चीजें हैं, ठीक है? दोनों में हमको तीन समानताएं, दोनों वोल्टेज करंट ये सबसे डील करते हैं, ठीक है? दोनों में बेसिक और की पूछा। अच्छा आपका लोक प्रशासन भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेवरेट टॉपिक क्या है आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे सबसे अच्छा लगे वेबर का थ्योरी की थी। वेबर की थ्योरी? वेबर ने कौन सी थ्योरी की है? ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी नहीं करता। अच्छा वेबर की आपको तीन रचनाएं बताओ, उन कौन कौन सी किताबें लिखी थी? किताबें के नाम से किताबें का नाम नौकरशाही है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये टर्म जो है कहाँ से आया है? तो ब्यूरोक्रेसी जर्मनी से आया है। जर्मनी से या जर्मन लैंग्वेज से? जर्मन लैंग्वेज से। सबसे पहले फ्रेंच में फ्रांस में एक कंसेप्ट है, लेकिन इलेबोरेट इसमें सबसे पहले वेबर ने किया था। तो दो चीजें होगी ना, एक तो ब्यूरोक्रेसी शब्द कहाँ से आया? जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड है, जर्मन भाषा का है। क्या वर्ड है वो? एग्जैक्ट वर्ड और ब्यूरोक्रेसी जो एक संस्था के रूप में कहाँ से आई वो बताओ। ब्यूरोक्रेसी कॉन्सेप्ट है जी सर, है ना, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? फ्रांस में आई थी सर, फ्रांस में आया था। अच्छा तो ये बताओ ब्यूरोक्रेसी जो है और सिविल सर्विसेज दोनों एक ही चीज है अलग अलग?
सिविल सर्विस तो कोई भी सर्विस जो कि पब्लिक डीलिंग से हो गई वो सिविल अच्छा सर्विस है। ब्यूरोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मैंने तो अच्छा जिसको ये जिसको वेबर ने बताया था मैंने कि अच्छा लार्ज तो ऑर्गेनाइजेशन वेबर ने में, क्या क्या बताया था, तो उन्होंने कुछ फीचर्स बताया था क्या क्या बताया था उनका। ब्यूरोक्रेसी का। एक तो हायरार्की होगी, ठीक है, रूल बाउंडनेस होगी, इम्पर्सनैलिटी होगी। अथॉरिटी होती है ये बताओ, हायरार्की, रूल बाउंडनेस, इम्पर्सनैलिटी, सिविल सर्विस तो पाई जाती है। कही जाती है जो, क्योंकि हम लोगों ने भी ब्यूरोक्रेसी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को ही चूज किया है। सारे मैंने लेटर जो भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडिपेंडेंट हुई थी कंट्रीज, अच्छा तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ब्यूरोक्रेसी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को ही चूज किया। तुमने कहा रूल बाउंडनेस होती है, तो सिविल सेवा भी रूल बाउंडनेशन होती यस सर। है, यानी कि तुम्हारा कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की सभी विशेषताएं सिविल सेवा पाई जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी की विशेषता रेटिविज्म भी होती है, वो रूल बाउंड एक्सेसिव रूल बाउंडनेस के कारण डिले तो रेटिविज्म होता सिविल सेवा में भी इसका मतलब ये करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। है। आगे पॉलिसी पैरालिसिस तो हम इंडिया में हो ही गई है सर। तो तुम्हारा कहना है कि सिविल सेवा है आज भी ब्यूरोक्रेसी की जो विशेषताएं से बनी हुई है। हाँ जी सर। तो हम लोग फिर क्यों बोलते हैं कि जो है सेंसिटिव सिविल सेवा होनी चाहिए, है टास्क ओरिएंटेड होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि वेबर ने आइडियल टाइप फीचर उस टाइम इमेजिन किया था, लेकिन चूंकि कोई भी सिस्टम को पब्लिक से पब्लिक ही चलाती है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती पब्लिक के तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं पे। लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट दिया था वेबर ने वो नकारात्मक अवधारणा की ब्यूरोक्रेसी की। उन्होंने जो उस टाइम का सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग अच्छा, वो हाँ तो तुम्हारा कहना है कि उस समय उसी तरह की विशेषताएं थी से ऐसा दिया था। अच्छा, आज के समय ब्यूरोक्रेसी का क्या रूप पाया जाता है? रात की हम जितने देखते हैं वही रूल बाउंड ओवर, अगर रूल बाउंड ओवर इंक्रेसिस के कारण पॉलिसी पैरालिसिस अच्छा, डिसीजन। आपने पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी का नाम सुना है? पेट्रोनेज इलीट ब्यूरोक्रेसी होती है, इलीट पेट्रोनेज होती है। सर इलीट तो सुना हो सर, पेट्रोनेज इलीट क्या होती है बताओ? सर क्योंकि इलीट ब्यूरोक्रेसी अपने आप को आम आदमी से अलग मानती है, मैंने इलिटिस्ट मानती है अपने आप को तुम्हारा सुप्रीम। कहना है भारत की ब्यूरोक्रेसी आज भी इलीट ब्यूरोक्रेसी है? सर इलीट इंडियन की ब्यूरोक्रेसी नहीं है सर, अच्छा मैंने इंडियन नहीं है, कहाँ की बताओ? भारत की थी, भारत की ब्यूरोक्रेसी को क्या बोलोगे आप? एग्जैक्ट वर्ड नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मेरिट मेरिट ओरिएंटेड हो सकते हाँ हैं, मेरिट ओरिएंटेड मेरिट लिस्ट हाँ सर हाँ सर मेरिट ओरिएंटेड ओरिएंटेड हो सकते हैं। कोई ऐसा उदाहरण दो जहाँ पे एलीट ब्यूरोक्रेसी का उदाहरण दो और वहाँ पाई जाती है, कोई ऐसा देश? अभी तो नहीं, लेकिन अमेरिका में शुरू में स्पॉयल सिस्टम था, वो एक तरह का एलीट अच्छा क्या था स्पॉयल सिस्टम? फिर उसमें था कि जो मिनिस्टर रहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन में चूज कर सकते हैं। ये बताओ भारत में भी तो संसदीय सचिव होता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पोस्ट है, वो इस पर किसी का उदाहरण नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जनरली आईएएस जो सीनियर आईएएस ऑफिसर नहीं रहते है, हैं। तुमने सुना होगा जब अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली गवर्नमेंट में कुछ एमएलए को संसदीय सचिव बनाया था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जिससे कहा उसकी सदस्यता अभी जाते जाते बची। याद आ रहा है कुछ केस तुम्हें? हाँ हाँ यार 21 लोग थे, 21 एमएलए। हाँ तो पॉलिटिकल लोग थे तो सर इंडिया में उसके लिए अलाउ नहीं है, अगर कुछ एक्सेप्शन कर देते हैं तो फिर नहीं, इंडिया में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अलाउ नहीं है। नहीं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अलाउ है, लेकिन जनरली सिविल यानी कि सीनियर तुम्हारा सिविल कहना है सर्विस कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया अवैध काम किया था। अगर वो सही करे, लेकिन अगर ये ट्रेंड चल जाएगा तो फिर गलत ये ट्रेंड सेट हो जाएगा, हाँ अच्छा वो गलत है। पर अभी तो बातें हो रही है कि लेटरल एंट्री करने की, आप तो अभी बीएससी पास करके ऑफिसर बनिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जिसको गवर्नमेंट जो है मार्केट से ले बंदों को, है ये भी ठीक है ये? सर वो एक तब वो इंटरव्यू भी लेगी, उसके बाद जो मैंने नॉलेज मेरिट बेस्ड जो कैंडिडेट का उनका ही सिलेक्शन बट करेगी। तुम्हें नहीं लगता है केवल इंटरव्यू लेना कहीं ना कहीं जो है खुद का इन्फ्लुएंस हो सकता है? इन्फ्लुएंस हो सकता है सर, जब तक जब तक फील्ड में नहीं आएगा तब तक एक्सेप्ट तो नहीं कह सकते हैं। अभी तक इन प्रोसेस में दिक्कत कहाँ थी जो उनको लेना पड़ा उस वक्त? सर उनका वही कहते थे कभी आए ब्यूरोक्रेसी का जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है वो आ रहा था डिले डिसीजन मेकिंग, तो उन्होंने सोचा कभी कि कभी वार्न तो किया जा सकता था, डायरेक्शन दिया जा सकता था, जी सर गवर्नमेंट के अधीन ही सारा है। लेकिन चूंकि ब्यूरोक्रेसी का एक फीचर एक स्टेबल, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 312 में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया सिविल सर्वेंट को, जिस कारण से मतलब नहीं कहीं ना कहीं नहीं लगता है गवर्नमेंट सेल्फ पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने बनाए गए नियम अपनी संस्था पर ही ऑब्जेक्शन कर रही है कि पीटी ठीक नहीं है, वेस्ट ठीक नहीं है,
डायरेक्ट इंटरव्यू ले लिया था तो उन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड जिनके पास एक्सपीरियंस होगा थे पहले भी कई लोग कई आपको भी पता होगा आप लोग भी जॉब वाले हैं वो लोग मतलब आईटीएम क्वालिफाई किए हुए कई कंपनी में वो लोग भी आते हैं लेकिन वो योग्यता तो उस आधार को देखी जाती है ना चलो अच्छा तो डेथ रेट क्या होता है डेथ रेट सर पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग सर ये फ्रेंड चलता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो बेसिकली कुछ मैकेनिकल कुछ पढ़ाई हो गया ये फ्रेंड तो ना क्लॉक वाइज चलता है ठीक है ना जिसको एंटी क्लॉक वाइज चलाएं तो क्या क्या परिणाम होगा कूलर तो एंटी क्लॉक वाइज चलता है कूलर का पंखा और किसी आप ऐसे बिहार के क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे बाढ़ आई हुई होती है बाढ़ सर जाते हैं बिहार में अब जाते हैं और अचानक बाढ़ आई हुई होती है और ज्यादा बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी समस्याएं होती है लोगों का डिस्प्लेसमेंट होकर प्रवास किया जाता है महामारी फैल जाती है लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी फूड की प्रॉब्लम हो जाएगी चार चीजें बने आपको समस्याएं आपकी पहली प्राथमिकता पहले तो लोगों की सेफ्टी का सबको एक सुरक्षित जगह में पहुंचाना तो ये बताओ कि बिहार में तो बड़ा जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत ज्यादा है कितना है बिहार में जनसंख्या 1106 1106 क्या स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर क्या स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर 1106 1100 बहुत ज्यादा होगा आप इसी सब नॉर्मल सब डिवीजन को भी लेके चलोगे पॉपुलेशन देंगे 10 लाख की 15 लाख की सब डिवीजन पॉपुलेशन ठीक है अब बहुत सारे ऐसे बिहार में क्षेत्र हैं जहाँ 4-4, 5-5 लाख पॉपुलेशन एक सब डिवीजन में प्रभावित होती है अब आपका खतरा ये है कि सबको हम अगर डिस्प्लेस करेंगे या रिहेबिलिटेट करेंगे डिस्प्लेस करेंगे वो 5 लाख लोगों पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्या क्या संसाधन होंगे लोगों को वहाँ से उठाना भी चाहिए सपोर्ट का इंतजाम करना होगा अच्छा और अगर मैं पहले अगर वहाँ पैसे दूंगा तो आजकल तो पहले से प्रेडिक्ट कर दिया जाता है बाढ़ आने वाला है अच्छा पहले से प्रिकॉशनरी मेजर स्टार्ट कर दूंगा जैसे रेडियो में अनाउंसमेंट हुआ पेपर में ऐड कर दूंगा ताकि पब्लिक लोग मैक्सिमम लोग इनके पॉसिबल है वो लोग अपने से ये बता दें कि बाढ़ तो बिहार में हर साल आती है हर साल स्टेडियम होते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब बाढ़ आती है बहुत सारे लोग बड़े खिलाड़ी पहुँच जाते हैं उसमें दूसरे लोग पहुँचते हैं तो ये प्रेडिक्शन तो वहाँ भी होता है क्या क्या कमियाँ हैं मेकेनिज्म में क्या क्या कमियाँ हैं प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेते हैं क्या क्या प्रायोरिटी मेजर होना चाहिए जैसे पहले अनाउंस करना फिर लोगों को जैसे कैसे अनाउंस करोगे तो जैसे रेडियो हो गया मोर कम्युनिकेशन न्यूज़ पेपर हो गया पब्लिक माइक लाउड स्पीकर से लोगों को और सुनो तो मैंने अनाउंस कर दिया अपने आबो को बाढ़ आने वाली जय अकाल इतना लोग अगर हो सके फिर तो हमारा हमारा भी ड्यूटी है कि पॉसिबल मेजर्स लेके लोगों को कल जैसे वोट हो गया नियर बाई कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे बिहार में बाढ़ क्या कारण है तो नेपाल बॉर्डर से है और क्योंकि नेपाल में बहुत सारी नदियाँ हैं तो जब बाढ़ आती है तो क्योंकि हम दो लैंड में लाइक करते हैं तो वो लोग ज़्यादा बारिश के कारण डैम को खोदती है तो हमारे डैम का कैपेसिटी नालंदा तो बहुत दूर इलाका है नालंदा में बाढ़ आती है वहाँ तो नेपाल से बढ़ती होती सुना आपके इलाके में आती है ना बाढ़ बहुत ज्यादा क्षेत्र एक बार 2015 में बहुत सारी रोड डैमेज हो गई थी तो केवल अगर नेपाली नदियों की बात करोगे तो नर्मदा की जो नदियाँ हैं वो तो नेपाल से भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता छोटी नदियाँ भी हैं छोटी नदियाँ भी हैं रिवर अगर अपना मैंडरिंग करेगी बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन मैंडरिंग क्या होती है रिवर जो नॉर्मल कोर्स इनका रिवर का जो रहता है उससे भटक के बनेगी तो बिहार में जो भटकती है वो यूपी में तो नहीं भटकती है राजस्थान की भटकती है क्या कारण है
करना पड़ेगा ना, बिहार में ऐसे तो मतलब कहीं ना कहीं तो ये नहीं लगता कि बाढ़ को अपने बांधों का मरम्मत ही करते हैं, सुदृढ़ीकरण कहा जाता है ना, बाढ़ सुदृढ़ीकरण कार्य बाद में किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमियां है उसमें। अच्छा आपको ये बताओ, बिहार की बाहर नदियां पश्चिम से पूर्व बताओ, कौन कौन सी नदी सबसे पश्चिम में कौन सी नदी बनती है बिहार की सबसे बेस्ट, है ना, बक्सर उत्तर का इलाका और पश्चिम ले जाओ छपरा वाला इलाका शुरू होगा बेस्ट, हाँ बेस्ट बिहार की तीन स्थानीय भाषाएं बताओ, एक भोजपुरी, मैथिली, मगही। आपका घर कहाँ है? झारखंड देवघर। आपका घर देवघर? देवघर में बाबा धाम ज्योतिर्लिंग। भारत का दक्षिण तक ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सबसे सदर्न रामेश्वरम। रामेश्वरम सबसे उत्तर में? सबसे नॉर्थ में वाराणसी होगा, केदारनाथ। केदारनाथ से बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है? ज्योतिर्लिंग नहीं है। किस धाम का टेम्पल है वो? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान हाँ। तुम्हारा करना केदारनाथ? केदारनाथ। और पश्चिम में कौन सा है? वेस्टर्न में पढ़ लीजिए आप आपसे बाबा धाम नहीं पूछा जाता ऐसे कुछ पूछा जाता नागेश्वर गुजरात में नागेश्वर पढ़ लीजिएगा ठीक है। ये बताओ कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में कौन सी है? जो एजुकेशन का एजुकेशन की क्या समस्या है यहाँ पे स्पेशल की? एजुकेशन का परसेंटेज बहुत कम है। और लोग हायर एजुकेशन के लिए तो उससे क्या होगा, बच्चा कहाँ जाएगा? इंडस्ट्रीज अपने जब यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई कर इंडस्ट्रीज आएगी। तो तुम्हारा कहना है इंडस्ट्री की डिमांड नहीं है इसलिए इंडस्ट्रियाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही है? है अगर उस कदर नहीं है जितना होना चाहिए। अगर ये माना जाए तो फिर तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है लेकिन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। गोवा जैसे एरिया में बहुत छोटा प्रदेश है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से इंडस्ट्रीज की संभावना है? फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या क्या होना चाहिए? मेगा फूड पार्क होना चाहिए। क्या क्या मेगा फूड पार्क क्या होता है? क्लस्टर्ड होगा जहाँ पे यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है तो क्लस्टरिंग जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फूड में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फूड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बहुत कुछ आ जाएगा फूड के अलावा भी कैश क्रॉप सीरियम क्रॉप एग्रीकल्चर में लाइट सेक्टर भी हम लेते हैं तो फूड में तो मेनली सीरियल ठीक है। यहाँ सरकार के जो 7 निश्चय है वो क्या? नीतीश सरकार ने 7 निश्चय लिया है उसमें घर तक पक्की गली नलियाँ आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार आर्थिक बल युवाओं का हल अवसर बढ़े आगे बढ़े हर घर बिजली लगातार शौचालय निर्माण घर का निर्माण शौचालय निर्माण घर का सम्मान हर घर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं।
बिहार एक्चुअली टोटल सिक्स क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टेट को ये देने का, छह या पांच, पांच क्राइटेरिया होता है। तो बिहार सारे पांच क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं करता, लेकिन कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो वो बॉर्डर बॉर्डर में लाई करता है नेपाल। एक होता है कि स्ट्रैटेजिक बॉर्डर लोकेशन होना चाहिए स्टेट का, तो स्ट्रैटेजिक बॉर्डर लोकेशन होना चाहिए कि नहीं, सवाल यही होना चाहिए सर, होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसे होने से अन्य राज्यों की प्रवृत्तियां बढ़ेगी। उड़ीसा डिमांड कर रहा, आंध्र प्रदेश, इसलिए गवर्नमेंट से अपने समर्थन वापस ले लिया। बिहार कुछ मापदंड में खड़ा उतरता है जो कि पांच मापदंड है। ये लाभ लेने का मापदंड है कि विकास करने का मापदंड होना चाहिए? तो विकास करने का मापदंड, लेकिन बिहार के पास अपना रिसोर्स भी नहीं है, तो उससे रिसोर्स आने रिसोर्स के रूप में लोन भी हो सकता है, लोन सब्सिडी भी हो सकता है। तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट से ग्रांट भी नहीं मिलता है तो वो बहुत चीप नहीं मिलता, तो लोन एक तरह से बाद में लाइबिलिटीज बन जाएंगे। ठीक है, जा सकते हैं। चलो ठीक है भाई, कब है आपका इंटरव्यू? 10 तारीख।